देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, पहला स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के अंदर जो लाइंस है उसमें हल्का सा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वो गैप इसलिए है, अगर गैप नहीं छोड़ेंगे और ट्रैक अगर क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, ट्रैक एक्सपैंड हो गया, जगह है नहीं, तो उसको जोर लगा के टेढ़ा कर देगा। तो गैप छोड़ेंगे तो जुड़ जाएगी, गर्मियों में अपने आप जो रेल्स हैं वो जुड़ जाती हैं, और सर्दी में हल्का सा इतना गैप होता है कि उसके ऊपर व्हील निकल जाता है। नेक्स्ट है, आयरन रिंग इज टू बी पुट ऑन द रिम ऑफ द कार्ट व्हील। एक व्हील है, कार्ट का व्हील है, उसके ऊपर ना आयरन का रिंग चढ़ाना है, और ऐसे चढ़ाना है कि वो उतरे भी ना, बहुत टाइट हो। अब रबर बैंड तो है नहीं, चढ़ा दिया और टाइट हो गया, आयरन है, तो आप एक रिंग लें, इस व्हील के छोटा रिंग लें, इसे छोटा रिंग लें, उसे गर्म कर लें, गर्म करके वो व्हील से बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर डाल दें और ठंडा होने दें, ठंडा होकर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर टाइट बैठ जाएगा, निकलेगा भी नहीं। तो यानी कि किसी भी चीज़ को अगर बिल्कुल फिट करना है ताकि वो कभी निकले ना, तो उसको गर्म करके, उसको एक्सपैंड करके चढ़ा दो, ठंडा होने पे अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होके चढ़ जाएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन इनवर। अब पेंडुलम क्लॉक्स की बड़ी प्रॉब्लम है, जो पेंडुलम क्लॉक्स पुराने ज़माने की है, मेटल का बना देते थे उसका वो पेंडुलम, मेटल का पेंडुलम, बड़े बड़े पेंडुलम, बड़ी बड़ी घड़ियाँ, मेटल का पेंडुलम। अब देखो गर्मी पड़ गई, गर्मी पड़ गई तो उससे क्या है, घड़ी का टाइम ही खराब हो गया। कैसे, T इज इक्वल टू 2π√L/g होता है फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का। टेम्परेचर बढ़ने से उस पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया, पेंडुलम ने गलत टाइम देना शुरू कर दिया। ठंड पड़ गई, ठंड पड़ी तो वो पेंडुलम छोटा हो गया, लेंथ छोटी हो गई, टाइम पीरियड गलत हो गया, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सीधा अफेक्ट लेंथ पे है। अब लेंथ पूरे गर्मी और सर्दी में छोटी बड़ी होती जाएगी तो कैपिटल टी कांस्टेंट आएगा ही नहीं, तो घड़ी खराब हो गई ना, ये तो बोलोगे। तो हम एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो गर्मी और सर्दी में ज्यादा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और वो बेस्ट मटीरियल है इनवर, क्योंकि इनवर का टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, काटा मारो, थर्मल कोफिशेंट है, ऑफ एक्सपेंशन आएगा, कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन लिख सकते हैं, कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा इज स्मॉल, रेजिस्टेंस नहीं है, कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख लें एल्फा। तो इससे लेंथ में चेंज नहीं आता, एल्फा अगर छोटा है तो लेंथ ज़्यादा चेंज नहीं होगी, टाइम पीरियड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो क्लॉक करेक्ट टाइम देगी। नेक्स्ट है, ग्लास स्टॉपर जैम्ड इन द नेक ऑफ द ग्लास। बोल दिया हमने जैम की वो बॉटल का वो खोलना है, ढक्कन खोलना है, तो गर्म करके आप खोल सकते हो, एक्सपेंशन से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा।